गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केएल ट्रांसफॉर्म। अरे बाप रे, इसे तो आधे लोग तो छोड़ ही देते। ये सबसे पहले ये समझो कि फाइंड द केएल ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इमेज। ये कितने बाय कितने का है? 2x2। अरे रहने दे, कितने मार्क्स के लिए था? 10 मार्क्स के लिए। December 17 क्वेश्चन 2B में मुंबई यूनिवर्सिटी। चलो देखते स्टार्ट करते हैं। मैं सिर्फ स्टेप्स दूंगा और फटाफट लिखूंगा, और जब थियरी आएगा 10 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट, तो उसके लिए मैंने नोट्स प्रिपेयर किया है। मुझे व्हाट्सअप करना, मैं तुमको नोट्स शेयर कर दूंगा, या फिर एक ग्रुप क्रिएट किया मैंने, उस ग्रुप में ऐड हो जाना, उसमें हम अपडेट देते रहते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट स्टेप इज फाइंड कोवेरियंस मैट्रिक्स। कोवेरियंस मैट्रिक्स क्या होता है? एक सिंपल फॉर्मूला है, आर यू इज इक्वल टू 1/n समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0 से n-1 UCI minus M transpose, where N is equal to number of column, UCI is equal to input image column, M is equal to mean value। अरे आशीष मेरे को नहीं समझाइए ऐसा। चलो यहाँ पर कितना कॉलम है? 1, 2, तो N का वैल्यू हुआ 2। अगर 1, 2, 3, 4 रहता तो N का वैल्यू होता 4। सिंपल। ओके अरे आशीष फिर ये UCI क्या है, M क्या है? M इज नथिंग बट मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्या हो जाता है? ये दिख रहा है 4 minus 2 कितना होता है? ऐड कैसे करते हैं? 4 plus or minus 2, दो नंबर है तो डिवाइड बाय 2 है ना, कितना हो गया? 2/2, डेट इज़ 1 ना। अच्छा नीचे वाला कैसे का? -1 - 1 - 1 + 3/2 कितना हो गया? 2/2, डेट इज़ 1 ना। तो मीन का वैल्यू मिला मेरे को, कैसे मिला मालूम पड़ा? मीन इज इक्वल टू 1/1 इतना मालूम पड़ा। देखो इधर मैंने बाजू में लिखा भी है कि मीन कैसे मिला। अभी आशीष फिर ये UCI क्या है? UCI इज नथिंग बट इनपुट इमेज कॉलम। कितना UCI दिख रहा है? एक UC0, UC1, UC2, UC3। यहाँ पर फिलहाल मेरे को UC0 और UC1 ही दिख रहा है और कुछ नहीं। तो क्या मैं लिख सकता हूँ UC0 इज इक्वल टू 4 - 1, UC1 इज इक्वल टू क्या दिख रहा है दूसरा? -2, 3 ऐसा ये दिख रहा है, समझ रहे हैं? ओके नाउ अभी फॉर्मूला में मेरे को पुटअप करना है। फॉर्मूला मेरे को क्या दिख रहा है? UCI - M, UCI के UC0 - M। सबसे पहले यहाँ पर आई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रिस्क कर रहा है? 0 से n-1, n क्या है तुम्हारा? 2, तो 0 और 1 बस इतना आने वाला है पिक्चर में। ओके यहाँ तो मैंने एक टिप दिया है तुम लोग के लिए, डोंट यूज़ इजी सॉल्यूशन जो एज यूजुअल मुंबई यूनिवर्सिटी वाले यूज़ करते हैं। ओके यहाँ पर क्या लिखा है? UC0 - M क्यों ये कर रहा हूँ? अरे मेरे को इसमें वैल्यू पुटअप करना है, UC0 - M फिर UC1 - M मुझे फाइंड आउट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। UC0 - M, UC0 अभी निकाला ना मैंने, 4 और -1 माइनस M क्या है? 1 और 1, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 - 1 - 3 -1 - 1 - 2। सिमिलरली UC1 - M करूँगा क्या आएगा मेरे को? -2, 3 UC1 ना माइनस M क्या आएगा? -3, 2 इतना क्लियर हुआ। अब मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पर? ऐसा करना मेरे को आशीष, UC0 - M, UC0 - M का ट्रांसपोज। देखो UC0 - M का ट्रांसपोज, UC0 - M मेरे को मिला क्या? 3 और -2 उसका ट्रांसपोज करूँगा। अच्छा इसको सॉल्व करने का कैसा है? ऐसा और ऐसा बचपन में सिखाई थी ना मैडम ने, कैसा करने का? 3 × 3 कितना होता है? 9। फिर 3 × -2 कितना होता है? -6। -2 × 3 कितना? -2 × -2 = 4 ठीक है। जिस तरह मैंने UC0 - M किया, UC0 - M ट्रांसपोज किया, सिमिलरली अभी यहाँ पर क्या आने वाला है? UC1 - M, UC1 - M का ट्रांसपोज। क्या मैंने वही किया है क्या यहाँ पर? हाँ, सिमिलरली UC1 - M, UC1 - M का ट्रांसपोज। इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा। नाउ अभी कोवेरियंस मैट्रिक्स क्या बन जाएगा आशीष? कोवेरियंस मैट्रिक्स 1/n, n का वैल्यू क्या है? 2 ना, 2 लिखा। अच्छा अभी मेरे को ये मिल गया क्या? UC0 - M, UC0 - M का ट्रांसपोज प्लस सबमिशन है ना यार, सबमिशन है तो मतलब प्लस ना, फिर क्या आएगा? UC1 - M, UC1 - M ट्रांसपोज। क्या दोनों निकाल चुका मैंने? मतलब ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स को ऐड करना पड़ेगा। ऐड किया क्या मैंने? एलिमेंट वाइज एलिमेंट, ये चीज़ याद रखना, प्लस और सब्ट्रैक्शन एलिमेंट वाइज एलिमेंट होता है। ओके 1/2 को भूलना नहीं, भूले तो मार्क्स गया। 1/2 लिखा, क्या इसको डिवाइड बाय 2 कर दूँ तो मेरे को क्या कोवेरियंस मैट्रिक्स मिला? ये क्या हुआ? Step 1। यहाँ तक तो 2 मार्क्स तो अपने को हाथ में आ गया। अभी कुछ करना नहीं, M4 में क्या आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर सीखा था क्या? हाँ मैंने सीखा था, तो वही निकालना है बस, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं यार। आइगन वैल्यूज कैसे निकालते थे याद होगा तो हम लोग करते थे a - λI = 0 ना। यहाँ पर A क्या मैट्रिक्स होता था ना, वहाँ पर, यहाँ पर मैट्रिक्स को क्या बोलूँगा? RU। ओके यहाँ पर इसी फॉर्मूले के मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये चीज़ आ सकना, लेट मॉड में λI - RU = 0। चलो λI मतलब 1 ना, λ × I, λ ही होता है ना, ये I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये चीज़ याद रखना। अगर 1 0 0 1 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है I, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो λ 0 0 λ, यही लिखा है क्या आगे? -RU मतलब क्या? ये ना इज इक्वल टू 0। चलो प्लस और माइनस कैसे होता है?
एलिमेंट वाइज एलिमेंट, लैम्डा माइनस नाइन लिखा, जीरो माइनस माइनस सिक्स प्लस हो गया, जीरो माइनस और माइनस सिक्स प्लस हो गया, लैम्डा माइनस फोर ओके इज इक्वल टू जीरो। अरे क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता था क्या हम लोग को? यहाँ पर कैसे करते थे याद होगा? तो इसको ऐसा, फिर माइनस ये कितना हो गया 36, समझा? तो इसको लैम्डा स्क्वायर माइनस फोर लैम्डा यहाँ पर सॉल्व करोगे तो तुमको ये मिलेगा, ये कट गया ना, जीरो बचा। कैलसी में करना गधा मजदूरी करके, समझ रहे? गधा मजदूरी मत करना कि यहाँ पर अरे यार मैं स्मार्ट टू लैम्डा कॉमन लेके लैम्डा माइनस 13 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ये सब में हो जाएगा। दूसरे सब में तुम लोग ओरली मत करना, डायरेक्टली कैलसी में करना। यहाँ पर लैम्डा वन का वैल्यू ये मिला, लैम्डा टू का वैल्यू ये मिला। यहाँ पर नोट क्या लिखा, लैम्डा वन को हमेशा बिगर रखो। अब इसका मतलब क्या है आशीष? अगर कैलसी में तुमको 0.13 आया रहता ना इसको सॉल्व करने के बाद, तभी भी तुम लैम्डा वन इज इक्वल टू 13 मतलब लैम्डा वन तुम बिगर ही रखो, ये कंसिडर करके रखो, नहीं तो उधर जाके मैट्रिक्स उल्टा होता है, बस यही सब, समझ रहा है? अगर मेरे को यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू वन आया रहता और लैम्डा का वैल्यू टू आया रहता तो मैं लैम्डा वन इसको देता, लैम्डा टू इसको देता। इन शॉर्ट बोलूँ तो जो बड़ा रहेगा उसको लैम्डा वन, जो छोटा रहेगा उसको लैम्डा टू। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, आइगन वैल्यूज़ मिला, नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो सकता है तुम्हारे हिसाब से? मैंने बोला था आइगन वैल्यूज़ निकालने के बाद क्या निकालना है, आइगन वेक्टर्स, क्या मैंने ओ ही निकाला है? स्टेप थ्री, स्टेप थ्री मतलब लेट्स फाइंड आइगन वेक्टर्स। लेट लैम्डा आई माइनस आर यू, आगे एक्स लिखते थे याद होगा, तो यहाँ पर ये वाला मैट्रिक्स तो मेरे को मिल चुका है ना, यहाँ पर ये वाला मिल चुका है ना, आगे क्या लिखना है यहाँ पर, एक्स एक्स वन और एक्स टू इज इक्वल टू जीरो और जीरो, क्या ओ ही लिखा मैंने यहाँ पर? इतना तो क्लियर हो गया रहेगा। ओके, ये मिलने के बाद नाउ लैम्डा का वैल्यू दो मिला है, लैम्डा का वैल्यू दो मिला है, एक लैम्डा वन एक लैम्डा टू, बरोबर है? चलो पुटअप करते हैं। लैम्डा वन, लैम्डा वन पुटअप किया तो क्या मेरे को लैम्डा मतलब कितना, 13 माइनस नाइन फोर सिक्स, एज इट इज सिक्स, एज इट इज 13 माइनस फोर नाइन, एक्स वन एक्स टू। नाउ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कैसे करते, फोर इंटू एक्स वन प्लस सिक्स इंटू एक्स टू इज इक्वल टू जीरो। क्या वही किया तुम लोग बोल रहे हो, अरे आशीष इसको मैं कैलसी में सॉल्व करता हूँ, अरे नहीं यार इज इक्वल टू जीरो होता है, इज इक्वल टू जीरो जब भी कैलसी में सॉल्व करोगे तुमको हमेशा एक्स वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, इसको बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन, नोट करके रखना ये। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, मैनुअली सॉल्व करेंगे ना कि कैलसी में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन उठाया मैंने, ध्यान से देखो, सबसे पहला इक्वेशन उठाया फोर एक्स वन इज इक्वल टू माइनस एक्स टू, इसमें से एक्स वन क्या हो जाएगा माइनस सिक्स बाय फोर, डैट इज नथिंग बट माइनस वन बाय फाइव एक्स टू, ठीक है ठीक है। इतना किया, ये चीज़ तुम लोग नोट करके ना, फॉर द मैट्रिक्स टू बी ऑर्थोगोनल एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर इज इक्वल टू वन। नाउ एक्स वन मिला है क्या, हाँ यहाँ से, एक्स टू मिला है क्या, हाँ, इज इक्वल टू वन, इसका स्क्वायर करोगे तो 2.25 एक्स टू स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक्स टू स्क्वायर इज इक्वल टू वन। क्या ये दोनों क्लब हो सकते हैं, वेरिएबल है कि हाँ, तो 3.25 एक्स टू स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स टू स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय 3.25, कुछ तो आंसर आएगा। तो एक्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ले लूँगा ना यार इसका, समझ रहा है? एक्स टू स्क्वायर चाहिए तुमको क्या, एक्स टू चाहिए, एक्स टू चाहिए ना, तो स्क्वायर रूट ले लोगे, तो एक्स स्क्वायर रूट लोगे तो ये मिलेगा। अब क्या मैं इस वैल्यू को इसमें पुटअप कर दूँ, एक्स वन मिल जाएगा क्या, वही किया ना मैंने, समझ रहे? ये किसके हुआ, आइगन वेक्टर्स फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 13। नाउ सिमिलरली क्या ना डू, लैम्डा इज इक्वल टू 4, सेम यहाँ पर ये मैट्रिक्स उठाया, लैम्डा की जगह पे जीरो पुटअप किया, फिर यहाँ पर माइनस नाइन एक्स वन प्लस सिक्स एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, सिक्स एक्स वन माइनस फोर एक्स टू इज इक्वल टू जीरो। डोंट यूज कैलसी ओवर हियर बिकॉज होमोजेनियस इक्वेशन, कैलसी में हमेशा एक्स वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स टू इज इक्वल टू जीरो। तो क्या करने का, पहला वाला इक्वेशन उठाया नाइन माइनस नाइन एक्स वन इज इक्वल टू माइनस सिक्स एक्स टू, एक्स वन का वैल्यू मेरे को ये मिला। फॉर नाउ फॉर अ मैट्रिक्स टू बी ऑर्थोगोनल एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इसको सॉल्व करके तुमको एक्स टू इज इक्वल टू 0.83, अगर एक्स टू इज इक्वल टू 0.83 मिला तो ये क्या मिल जाएगा 0.67 इंस टू एक्स टू मिला है ना, वो इधर चिपका देने का, क्या मिला मेरे को एक्स वन इज इक्वल टू 0.55। नाउ आइगन मैट्रिक्स, अबे आइगन मैट्रिक्स है, आइगन मैट्रिक्स कुछ नहीं, तुमने लैम्डा वन और लैम्डा टू का जो वैल्यू निकाला ना वो इधर रखना है, एक्स इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एक्स वन एक्स टू, ये कौन सा है, फॉर लैम्डा वन इज इक्वल टू 13, ये कौन सा है, लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, समझा?